स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और इससे पिछली वाली वीडियो में हमने 8 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम करेंगे 9 से। 9 क्वेश्चन में वैसे तो कुछ है नहीं, आप लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, फिर भी मैं आपको 9 क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। 9 क्वेश्चन में भी हमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये अब आपको मेरे ख्याल से अच्छे से आ गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पर्टिकुलर अमाउंट जिसे मैं पापा कहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 6 लाख का दे रखा है वो नेट प्रॉफिट, तो हमारा बाई में 6 लाख का नेट प्रॉफिट। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दे रखा है 10%, तो यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल है 4 लाख और 4 लाख का 10% 40,000, बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8 लाख और 8 लाख का 10% 80,000, दोनों का जोड़ 1,20,000। बस कुछ नहीं, और क्वेश्चन में और कह रहा है ईच पार्ट, ये तो हो गया, बी इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि बी को जो 10% की कमीशन मिलनी है वो कब मिलनी है, वो कब मिलनी है, 6 लाख जो आपका प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया है वो माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद 4,80,000। और बिफोर वाला केस है तो सिंपल आ जाएगा, तो 10% निकाल दोगे तो आपके बी को जो कमीशन मिलनी है वो तो सीधा सीधा आ गया आपका कितना 48,000। समझ में आ रही है बात, ये तो आ गया हमारा सीधे सीधे 48,000। ए की कंडीशन क्या कह रही है, ए की कंडीशन कह रही है ए को मिलेगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट कब, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, बी की कमीशन माइनस करने के बाद जो बचता है उसका 8%। और ये केस कौन सा है, ये आफ्टर वाला केस है। तो सबसे पहले 6 लाख में से 1,20,000 माइनस किया था 4,80,000 आया, 4,80,000 में से हम 48,000 माइनस कर देंगे तो ये हमारा आएगा 4,32,000। तो 4,32,000 ये आफ्टर वाला केस है, 4,32,000 का 8% अपॉन 108, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 32,000, यानी कि ए का कमीशन कितना है, ए का कमीशन है 32,000। बस हो गया, 6 लाख इधर है, यहां 6 लाख है, ठीक है, 1,20,000 48,000 और क्या कह वो 1,20,000 48,000 और 32,000, यानी कि आप इनको जोड़ोगे तो ये आपका आ गया 80,000 और 1,20,000, यानी कि 2 लाख और 6 लाख, 6 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तो आपका बचेगा डिविजनल प्रॉफिट 4 लाख। अब 4 लाख को आप किस रेशियो में बांटोगे, 2:3 में, तो आपका जो ए है ए का आ जाएगा 1,60,000 और बी का आ जाएगा 2,40,000। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर देख लो, ए का है 1,60,000, ए का है 1,60,000, बी का 2,40,000, बी का 2,40,000, कमीशन हमारी बी की 48,000 आई और ए की 32,000 आई, यानी कि बी की 48,000 आई और ए की 32,000 आई। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन हो गया। अब आपके नए कंसेप्ट के क्वेश्चन आए हैं, नए कंसेप्ट के क्वेश्चन आए हैं। अब आपका कंसेप्ट आ गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मैंने जब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बता रहा था तभी उसमें से ये कंसेप्ट निकल के आया था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में होता क्या है, दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, एक आपका करेंट अकाउंट बनता है और एक आपका कैपिटल अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग में आपको मालूम ही है एक ही अकाउंट बनता है जिसमें सब इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। तो हम 10th वाला क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे और 10th क्वेश्चन में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि ये जो डिविजनल प्रॉफिट है ये निकलवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि फिक्स्ड के कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग समझेंगे, ठीक है। अब हमारा नया टॉपिक आज से चालू हुआ फिक्स कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 10 हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब तो बच्चे इसे बनाने में परफेक्ट हो गए होंगे, आई होप। पापा, सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है, नेट प्रॉफिट देखना है, जो कि आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट 30,800। 30,800 आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगनी है 9%, पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर है वाई और जेड। 25,000 का 9%, यानी कि 25,000 का 10% 2,500 हुआ, और 2,500 में से अगर 250 में माइनस करूंगा तो हमारा 2,250 आएगा। ऐसे ही जेड का 15,000 का 9%, 15,000 का 10% मेरा हुआ 1,500, और उसमें से मैं 150 माइनस करूंगा तो ये मेरा आया 1,350। ठीक है, और क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में वही कंसेप्ट है, सैलरी मिल रही है जेड को 6,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम दे रखी है। कमीशन भी मिल रही है 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर, यानी कि ये आफ्टर वाला केस है। आप क्या करोगे, 30,800 में से ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जोड़ लो, 0, 10, 6, मतलब 3600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 6,000 की सैलरी, यानी कि 30,800 में से 9,600 माइनस कर दो। ठीक है, 30,800 में से 9,600 हमारा माइनस कर दो, तो ये आपका आ गया 21,200। तो 21,200 में से उसकी कमीशन 6/106, क्योंकि ये कौन सा केस है, क्योंकि ये कौन सा केस है हमारा, ये हमारा आफ्टर वाला केस है। इससे अब कमीशन निकाल के यहाँ डाल देना, सबको जोड़ के माइनस कर देना, आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 1200। 1200 कमीशन हो गई, और क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, तो इसका जोड़ आपका 30,800, इसका जोड़ हमारा सब मिला के आया 10,800। 10,800 में से 30,800 माइनस करोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ गया 20,000। ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट 20,000। ठीक है, अब ये जो इन्होंने ये आंसर आपको दे रखे हैं, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप लोग को वैसे फ्लक्चुएटिंग वाला तो मालूम ही है, इसको ट्राई करना, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, इसके आगे क्वेश्चन उसमें करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो यार मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों से शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।